दोस्तों नमस्कार। एक लेटर है मेरे पास 7707 अमृत लाल मीना जी का लेटर है 2020 का। उस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इस लेटर के बारे में मैं उन अनुरक्षकों के लिए जानकारी दे देना चाहता हूं जिनको आज तक जानकारी नहीं हो पाया है कि लेटर बार बार बिहार सरकार का निकल रहा है, लेकिन एक साल से मैंने लगातार वीडियो बना रहा हूं, अभी तक मेरे मोबाइल पर कॉल आ रहा है कि मुझे यह लेटर चाहिए वह लेटर चाहिए। अब जब अनुरक्षक का नाम पोर्टल पर से हटाया जा रहा है तब हमारे अनुरक्षक भाई जगना शुरू किए हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि पूरे बिहार में 1,00,000+ अनुरक्षक है नलजल का, लेकिन अभी तक मात्र 5,000 लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, जबकि और अधिक से अधिक सब्सक्राइब होना चाहिए। पता नहीं सब्सक्राइब करने में क्यों लोग पीछे हटते हैं, क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हैं। यह सोशल मीडिया की जमाना है, आप चाहे तो सोशल मीडिया पर पूरे बिहार के अनुरक्षक को एकजुट कर सकते हैं। मनोरंजन के लिए हम लोग सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जहाँ अधिकार के लिए बात होता है वहाँ सब्सक्राइब नहीं कर पाते हैं, वीडियो को शेयर नहीं कर पाते हैं। कभी कभी मन ऐसा करता है कि मैं वीडियो बनाना ही छोड़ दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी एक अनुरक्षक हूं। मैं यह चाहता हूं कि मैं अगर वीडियो बनाना छोड़ दूंगा तो पता ही नहीं चलेगा कि अनुरक्षक लोगों को कि कहाँ से कैसा लेटर निकला, कहाँ लोगों का पेमेंट हुआ, कहाँ पेमेंट नहीं हुआ। कम से कम आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमें भी वीडियो बनाने में और आप लोगों को लिए जो मैं लेटर का उपलब्ध करता हूं, आप लोगों तक जो मैं लेटर पहुंचाने के काम करता हूं, सभी को यह सफल हो और हमें भी मन लगे कि मैं वीडियो बनाता रहूं। जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना छोड़ दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, शेयर नहीं कीजिएगा, तो हम भी वीडियो बनाना अब बंद कर देंगे, अब नहीं बनाएंगे वीडियो। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो पर शेयर कर रहे हैं और कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। जो लोग वीडियो पर नए हैं कम से कम वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग वीडियो पर को सब्सक्राइब कर चुके हुए हैं वो लोग कम से कम वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए इस लेटर में क्या लिखा हुआ है, इस लेटर को मैं पढ़कर सुनाता हूँ। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग प्रेषक अमृत लाल मीना, अपर मुख्य सचिव सेवा में सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी बिहार, पटना, दिनांक 7/12/2020 का यह लेटर है। विषय, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना में पेयजल की अनवरत आपूर्ति सुनिश्चित करने के संबंध में। महाशय, पिछले दो दिनों में राज्य के 4 प्रमंडलों के जिलों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की है। समीक्षा में यह पाया गया है कि लगभग 15% वार्डों में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मात्र 85% वार्डों में ही नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति हो रही है, यह चिंताजनक स्थिति है। इस हेतु निम्नोक्त कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करें। एक नंबर में सभी तकनीकी सहायकों को निर्देशित किया जाए कि उनके साथ संबंध पंचायत के हर वार्ड में योजना का तत्क्षण निरीक्षण करें। जिस योजना में मरम्मती की आवश्यकता है वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से मरम्मती सुनिश्चित कराए। या जो जेई है प्रखंड के जो इंजीनियर है उनको आदेश दिया जा रहा है कि जहां मरम्मती की जरूरत है वहां जाकर के नलजल को मरम्मती करवावे। दूसरा, तकनीकी सहायक प्रतिदिन के आधार पर सभी वार्डों में पेयजल के संचालन की स्थिति की दूरभाष पर समीक्षा करें और जहां व्यवधान आता है उसे शीघ्र हल करें। यहां तकनीकी सहायक जय साहब को, जो प्रखंड के जय साहब है, उनको कहा जा रहा है कि दूरभाष के माध्यम से आप जानकारी लेते रहें और कहीं से किसी तरह का कॉल आता है, फोन आता है, तो आप जाकर के वहां का समस्या का समाधान करें और मरम्मती करवावे। तीसरा, सभी ग्राम पंचायत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में 15वें वित्त आयोग की निधि से अनुरक्षण अनुदान की राशि अतिशीघ्र वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की
को हस्तांतरित करें। अनिवार्य रूप से अभियान स्वरूप 3 दिनों के अंदर राशि हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए। 15वें वित्त आयोग की निधि से PFMF की सदस्यता के कारण राशि हस्तांतरण संभव नहीं हो पा रहा है तो वैसे स्थिति में ग्राम पंचायत के निश्चय खाता में उपलब्ध राशि से नियमानुसार देय अनुरक्षण अनुदान की प्रथम किस्त को शीघ्र विमुक्त कराया जाए। यहाँ आदेश अमृतलाल मीणा जी की तरफ से दिया जा रहा है कि प्रत्येक वार्ड में 15वें वित्त आयोग का जो रुपया है, जो पैसा है, वह शीघ्र ही जो वार्ड के खाता है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता है, उस खाता पर पैसा को शीघ्र ही उपस्थित करावे और पैसा दे। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर जिला के जो मोतीपुर प्रखंड है, इस मोतीपुर प्रखंड में आज तक जो है एक पैसा किसी अनुरक्षक को नहीं दिया गया है। ऐसे तो बहुत ऐसा जिला है जहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा है, कुछ ही जिलों में पैसा अनुरक्षक को मिला है, बाद बाकी जिला को पता नहीं क्यों पैसा देने से इनकार कर रहा है, जबकि बिहार सरकार का बार बार लेटर निकल रहा है कि अनुरक्षक का पैसा, जो 15वें वित्त आयोग का पैसा है, वह पैसा प्रत्येक वार्ड में भेजा जाए, लेकिन ये लोग पैसा भेज नहीं पा रहा है। अब मुजफ्फरपुर के मोतीपुर का प्रखंड जो है, वहाँ तो एक पैसा किसी अनुरक्षक को मिला ही नहीं अभी तक। पांचवा, जिन वार्डों में अनुरक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है, वहां अभियान चलाकर तकनीकी सहायकों के मार्गदर्शन में 7 दिनों के अंदर अनुरक्षक की व्यवस्था कराए। यदि अनुरक्षक की व्यवस्था होने में विलंब है तो वार्ड सचिव अनुरक्षक के रूप में दायित्व का निर्वहन करना शुरू करे। जो तकनीकी सहायक है उनको कहा जा रहा है कि प्रत्येक वार्ड में अनुरक्षक की व्यवस्था कराए। जहाँ अनुरक्षक की व्यवस्था का होने में विलंब हो रही है, वहाँ वार्ड सचिव के द्वारा नलजल को चलवाया जाए और वार्ड सचिव को अनुरक्षक बनाया जाए। लेकिन यहाँ तो जो भी पहले से अनुरक्षक में नाम था उसका नाम ही हटा दिया जा रहा है और सरकार का लेटर कह रहा है कि अनुरक्षक बनाया जाए, यहाँ बना हुआ अनुरक्षक को हटा दिया जा रहा है और 4 साल काम करवाने के बाद एक पैसा मजदूरी भी नहीं दिया गया और अनुरक्षक पद से हटा भी दिया जा रहा है और ना ही पैसा आज तक दिया गया है। तो अनुरक्षक भाइयों से मैं यह कहना चाहूँगा कि आप लोग 4-5 साल मेहनत किए हैं, मजदूरी किए हैं और आज आप लोगों का नाम हटाया जा रहा है, तो आप घर मत बैठिए। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो को खूब शेयर कीजिए ताकि सभी अनुरक्षक के पास में वीडियो पहुंचे और सभी अनुरक्षक एकजुट हो और एकजुट हो तब होइएगा, तभी आप लोगों का हक और अधिकार मिलेगा। नहीं तो इसी तरह आपसे मजदूरी कराया जाएगा और नाम हटाया जाएगा और आप लोगों को कुछ मिल नहीं पाएगा। आपके लिए हाईकोर्ट है, आपके लिए मानवाधिकार है, आपके लिए प्रधानमंत्री जी है, राष्ट्रपति है, हर जगह आप आवेदन कीजिए, हर जगह कंप्लेन कीजिए कि मैंने 4-5 साल से काम किया हूँ, आज तक मुझे एक पैसा मजदूरी नहीं दिया गया और ऊपर से पोर्टल पर जो नाम था नाम भी हटा दिया गया, हमारा हक और अधिकार छीना जा रहा है। इसके लिए आप लोग को खुद लड़ना होगा, वैसाखी बनने की जरूरत नहीं है कि किसी और को अधिकार मिल जाएगा तो आपको भी मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको अपना अधिकार खुद लेना पड़ेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, या हम जो वीडियो बनाते हैं आपके अधिकार के लिए, आपके हक के लिए वीडियो बनाते हैं। आप लोग रोमांटिक वीडियो को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, यह वीडियो आपके हक और अधिकार के लिए है। जो लोग इस वीडियो पर नए हैं वो लोग कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।